पास्ता हो या मैक्रोनी हो या कोई भी फास्ट फूड रेसिपी हो, बच्चों को तो पसंद आती ही आती है, लेकिन बड़ों को भी आजकल ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगी है। तो रेस्टोरेंट स्टाइल में जैसे कि मैक्रोनी बनाई जाती है, वैसे ही हम घर पर आज पास्ता की रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्मो दादीज किचन। रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये रेसिपी 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और इसमें हम सब्जियां ऐड करके इसको हेल्दी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो आइए इस पास्ता की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो पास्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पे पानी रख दिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1/2 टेबल स्पून नमक और इन दोनों इन्ग्रीडियंट्स को मिक्स कर लेंगे। और पानी हमारा हल्का सा गर्म हो गया है तो यहाँ पर अब हम पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ता आप अपने मेंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अब पास्ता को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। और ये देखिए पास्ता में अच्छे से बॉयल आ गया है, तो एक दो बार हम इसको और चला लेंगे ताकि एक दूसरे को चिपके नहीं। और पास्ता को 80% तक ही हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि जब हम इसको ग्रेवी में पकाएंगे तो ये ज़्यादा मेसी हो जाएगा, इसलिए आप इसको 80% तक ही पकाए। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि ये 80% तक ही पकाया है। तो यहाँ पर मैं स्पून की हेल्प से इसको कट कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये आसानी से कट नहीं हो रहा है। तो बस इसी तरह से हमें पास्ता को पकाना है। और आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसको कट किया है तो ये बिल्कुल भी मैश नहीं हुआ है। तो बस 80% ही हमें पास्ता को पका लेना है। तो इस स्टेज पर अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब हम पास्ता को निकाल लेंगे और पास्ता का हमें पानी प्रॉपर अच्छे से रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं पास्ता को एक छलनी में निकाल लूँगी ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निकल जाए और पास्ता एक दूसरे को चिपके नहीं। इसके लिए यहाँ पर हमें तुरंत इसको ठंडे पानी से धो लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपका पास्ता एक दूसरे को चिपकेगा नहीं और पास्ता एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा खिला खिला बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पास्ता को अच्छे से ठंडे पानी से धो लिया है। तो अब चलते हैं अगले स्टेज पे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अगर आपको ऑयल में पास्ता नहीं पसंद है तो आप घी बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है तो अब 2 मीडियम साइज की प्याज को मैंने स्लाइसेस में कट करके ऐड कर दिया है और इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पका लेंगे। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और लहसुन को भी हल्का सा हमें पकाना है, कोई भी इसमें कलर नहीं देना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए उतना ही हमें इसको पका लेना है। और यहाँ पर प्याज और लहसुन को हमने पका लिया है तो अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 शिमला मिर्च जिसको मैंने लंबी स्लाइसेस में कट कर लिया है। आप यहाँ पर अपनी मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं और शिमला मिर्च को भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही हमें पकाना है। हल्की सी हमें सब्जियों में क्रंचीनेस रखनी है, ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए थे जिसको मैंने चॉपर से चॉप कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर की प्योरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन टमाटर मसालों के साथ में पकेगी तो अच्छे से ग्रेवी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और इन दोनों मसालों को अच्छे से सब्जी में मिक्स कर लेंगे। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए मसालों ने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने सोया सॉस ऐड किया है, 2 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली सॉस ऐड किया है और 3 से 4 टेबल स्पून टमेटो सॉस ऐड किया है। सॉसेस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सोया सॉस आपको कम ही ऐड करना है। यहाँ पर हमने पास्ता को कलर देने के लिए सोया सॉस ऐड किया है ताकि पास्ता का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आए, एकदम रेस्टोरेंट जैसा हमारा पास्ता बनकर तैयार हो, इसलिए यहाँ पर मैंने सोया सॉस ऐड किया है। और आप देख सकते हैं कि मसाले ने अच्छे से ऑयल रिलीज़ कर दिया है, सॉसेस भी पक चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है फ्रोजन कॉर्न, आप यहां पर फ्रेश कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं और कॉर्न की जगह आप मटर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने कॉर्न को मसाले में अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब यहां पर हम ऐड करेंगे पास्ता। तो ये देखिए यहां पर मैं जब पास्ता ऐड कर रही हूं तो आप देख सकते हैं कि एक एक पास्ता अच्छे से खिला हुआ है। और इसी के साथ में हम तुरंत ऐड कर देंगे पास्ता मसाला
पास्ता मसाला डालने से क्या होता है कि जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। जैसे कि हम रेस्टोरेंट पे खाते हैं तो वहाँ पर अधिकतर पास्ता मसाला या कुछ ऐसे मसाले ऐड किए जाते हैं जिससे कि पास्ता हमें घर से ज़्यादा बाहर का अच्छा लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने पास्ता मसाला और सारी सब्जियों को मसाले को पास्ते में अच्छे से मिक्स कर दिया है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पास्ता का लुक वाओ कितना अमेजिंग लग रहा है। बहुत ही डिलीशियस हमारा पास्ता बनकर तैयार है। तो अब इसको हम सर्व कर लेते हैं प्लेट में। और ये देखिए कितना यम्मी डिलीशियस खिला खिला पास्ता बनकर तैयार हुआ है। और आपको देखकर ही लग रहा होगा कि एकदम मार्केट और रेस्टोरेंट में जैसा खिला खिला पास्ता मिलता है वैसा ही ये बनकर तैयार हुआ है। तो आप ये कभी ना सोचें कि हम रेस्टोरेंट जैसा पास्ता या फूड घर पर कभी नहीं बना सकते हैं। तो रेसिपी बनाते समय हमें कुछ टिप्स का ध्यान रखना होता है, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो हम भी घर पे आसानी से मार्केट में मिलने वाले जैसे फूड बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की पास्ता रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और पास्ता रेसिपी आपको कैसे लगी, आपके विचार मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बेल आइकन आता है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।